आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए, तो जो चूँकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने चूँकि इसी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ भी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इसलिए हमने अभी तक बताया भी नहीं था कि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हमारे कमीशन ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है कि नेगेटिव मार्किंग इस बारे में, इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी का की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है इसकी जांच नहीं करते हैं। स्वघोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं, और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।